और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। सो गाइस देखो, आज की इस वाली वीडियो के अंदर ना हम लोग बात करने वाले दिवाली इवेंट के बारे में। सो गाइस देखो, आज का वाला वीडियो ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब गाइस देखो, इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं होगा कि हम लोग दिवाली इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है ना कि दिवाली इवेंट के अंदर जो हमें फ्री में रिवॉर्ड्स मिलेगा उसके रिलेटेड काफी ज्यादा कंफर्मेशन निकल के आ चुकी है। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। देन गाइस इसी के साथ मैंने हम लोग बात करेंगे बूजा 2.0 इवेंट के अंदर मिलने वाले फ्री के रिवॉर्ड्स के बारे में, बिकॉज यार मुझे पता है कि आप लोग बूजा इवेंट को भी लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, और ये तो भैया बूजा 2.0 है तो और भी ज्यादा मजा आएगा। सही बात है। एंड गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि दिवाली इवेंट के अंदर हमें बिल्कुल ही फ्री में ग्लूअल का स्किन देखने को मिल सकता है। सो गाइस देखो, यहाँ पे आप जितने भी ग्लूअल का स्किन देख रहे हो, सो गाइस इनमें से ना कोई एक ग्लूअल का स्किन हमें बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा, और भाई ये सारे के सारे ग्लूअल्स के स्किन काफी ज्यादा खतरनाक है। सो गाइस किस तरीके से आपको ये ग्लूअल का स्किन क्लेम करना होगा वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नहीं तो भैया आप बहुत कुछ मिस कर दोगे यार, सीरियसली बता रहा हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, ठीक है? अच्छा, हमको सिखा रहा है। एंड गाइस एक बात और, कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमें जो रिडीम कोड मिलता है वो हमें एक दो मंथ के बाद मिलता है, ठीक है? और अगर आप उसको भी मिस कर दोगे तो यार फिर क्या भाई, फ्री फायर खेलना बेकार है आपका, ठीक है? तो गाइस मैं जब भी रिडीम कोड मिलता है, जैसे कल ही रात में रिडीम कोड मिला था, तो सबसे पहले मैंने वीडियो बना दिया था, प्लस इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल दिया था, ठीक है? सो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट इंस्टाग्राम पे जोर जाके फॉलो कर लो, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो तो भैया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ही लेना है, ठीक है? ताकि देखो जैसे ही रिडीम कोड मिलता है ना, सबसे पहले तो मैं फटाक से जाकर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूं, देन उसके बाद YouTube पे वीडियो डालता हूँ, ठीक है? तो गाइस आप लोग को जल्दी से अगर रिडीम कोड चाहिए तो आपको Instagram पे जाके फॉलो कर लेना, बिकॉज देखो जो रिडीम कोड मिलता है ना वो सिर्फ 2 से 3 घंटे तक ही काम करता है, और उसके बाद वो कोड एक्सपायर हो जाता है, ठीक है? तो फिर तो भाई आपका कोई काम का ही नहीं होगा, तो फटाफट से जाकर Instagram पे फॉलो कर लो, और नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लियो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? खैर इसको छोड़ो, आप में से बहुत सारे लोग मेरे से मैजिक क्यूब के बारे में पूछ रहे थे कि यार मैजिक क्यूब में न्यू बंडल कौन सा आएगा। सो गाइस देखो, दिवाली इवेंट के टाइम पे ये आपका नेक्स्ट मैजिक क्यूब के बंडल में आ सकता है, क्योंकि देखो ये वाला जो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, बाकी देखो सिर्फ यही बंडल नहीं आएंगे। जहां तक मुझे लगता है कि दिवाली इवेंट के अंदर आपका जो जोकर वाला बंडल है ना वो भी शायद से रिटर्न आ सकता है, बट ब्लू आर्टिक नहीं आएगा जहां तक मुझे लगता है, मतलब मैं अपनी ओपिनियन से ऐड कर रहा हूं, ठीक है? जहां तक मुझे लगता है कि ब्लू आर्टिक तो नहीं आएगा, बट बहुत सारे सर्वर्स में आ भी रखा है तो कुछ कह भी नहीं सकते, बट यार इंडिया सर्वर के साथ ये बहुत ज्यादा पार्शियलिटी करता है, तो जहां तक मुझे लगता है कि नहीं देखने को मिलेगा, बट हां जोकर वाला बंडल तो भैया देंगे ही देंगे, इनको तो देना ही पड़ेगा जोकर वाला बंडल। एंड गाइस एक बात और बताऊं आप लोगों को, जैसे आज डेट कितना है, ठीक है? 27, यानी कि कल हमारा नेक्स्ट ओबी का अपडेट आएगा, ठीक है? तो एक और बात बताऊं, MP40 जो स्किन है ना, आपको पता ही होगा कि अभी कितना ज्यादा रिकॉइल करती है, अपडेट के बाद वो और भी ज्यादा रिकॉइल करने लगेगी। मतलब यार मेरे को इन लोगों का समझ नहीं आता, देखो हर अपडेट में ही MP40 को डाउन करते हैं, देन पता है जो M1887 है ना उसका भी थोड़ा सा ये लोग डाउन करने वाले हैं। मतलब ये लोग, मेरे को समझ नहीं आता हर अपडेट में ये लोग गन को इतनी भाई गलत तरीके से क्यों मारते हैं। मुझे पता है कि अगले अपडेट में ये लोग कोई नया स्किन लाने वाले होते हैं इसलिए करते हैं, बट गाइस आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ कि आप लोग अभी के टाइम पे कौन सा ज्यादा गन का, मतलब कौन सा गन ज्यादा यूज करते हो। मैं अभी के टाइम पे ज्यादा MAG-7 यूज करता हूं, और वो जो एक आया है ना DMR, क्या नाम है उसका, AC-80 नाम है, तो वो मैं ज्यादा यूज करता हूँ, मैग और AC-80 ज्यादा यूज करता हूँ। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ कि आप लोग अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सा गन यूज करते हो। तो यार अभी ना गन छोड़ो, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इमोट के बारे में। अब इमोट के बारे में क्या बात करेंगे, ऑफकोर्स यार इमोट पार्टी इवेंट के बारे में, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार इमोट पार्टी इवेंट कब आएगा। अब देखो अगर आप ओल्ड प्लेयर हो तो आप लोग को तो पता ही होगा कि फ्री फायर हर 2 महीने में इमोट पार्टी इवेंट लेके आता था, बट अभी तो यार 5-6 महीने हो गए, बट अभी तक भाई कोई भी इमोट पार्टी इवेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है? मतलब क्या ही बोलूं यार, बहुत ज्यादा प्यार करता है इंडिया सर्वर से फ्री फायर, तो क्या ही कर सकते हैं, इतना ज्यादा प्यार भी नहीं करना चाहिए कि प्लेयर्स को ही दिक्कत हो जाए। सो गाइस देखो एक्चुअली में अब क्या सीन है, आखिर ये इमोट पार्टी इवेंट कब आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। सो गाइस देखो, बूया इवेंट वेनम इवेंट अभी और फ्री फायर मैक्स इवेंट, ठीक है? अभी 3 इवेंट का शेड्यूल है, उसके बाद हमारा दिवाली इवेंट आएगा, ठीक है? सबसे पहली बात कि फ्री फायर मैक्स का जो इवेंट है इसमें आपको दूर दूर तक कोई भी इमोट पार्टी इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। देन अगर हम लोग बात करें बूया 2.0 इवेंट के बारे में, सो गाइस देखो ऐसा चांसेस है कि आपको बूया 2.0 इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है इमोट पार्टी इवेंट, बिकॉज देखो जो आपका बूया 2.0 इवेंट है उसमें कुल मिला के गिन चुन के, मतलब देखो बूया जो पिछली बार बूया इवेंट आया था उसमें हमें बहुत तगड़े तगड़े रिवॉर्ड्स मिले थे, लाइक ईवो MP40 तक मिल गया था और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले थे, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि वो लोग यही चाहेंगे ना कि बूया 2.0 भी काफी ज्यादा खतरनाक हो, तो जस्ट यही सीन है कि ये लोग अपना इवेंट को खतरनाक बनाने के लिए इमोट पार्टी इवेंट तो लेके ही आएंगे। और अगर हम लोग बात करें तो देखो गाइस, देखो सिंपल सी बात है कि जो आपका बूया 2.0 का थीम है, ठीक है,
वो ब्राउन कलर का है, और जो आपका इमोट पार्टी इवेंट का जो ये पिक्चर है वो भी ब्राउन कलर का है, ठीक है। ये तो कुछ मैच ना हुआ। मतलब मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ कि देखो कोई भी इवेंट होता है ना उसका एक थीम कलर होता है, ठीक है। जैसे आपको पता हो कोई भी इवेंट आता है उसका एक थीम सॉन्ग के साथ साथ थीम कलर भी होता है। लाइक 4th एनिवर्सरी का वो पर्पल कलर था, देन मोको का ब्लू कलर हो गया। तो हर एक जो इवेंट होता है ना उसका एक थीम कलर भी होता है, ठीक है। तो जस्ट इसी टाइप से अगर हम लोग एक गेस किया जाए तो शायद से हमें बुआ इवेंट के अंदर इमोट पार्टी इवेंट देखने को मिल जाए। बाकी लेट्स सी गाइस क्या होता है वो, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है वो मैं आपको फटाक से वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। एंड गाइस आप लोग को तो ये बात पता ही होगा कि हमारे जो फ्री फायर मैक्स है इसका कल से इवेंट स्टार्ट है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में भी एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब छोटा सा मैं। सो गाइस देखो यहाँ पे आप लोग कैलेंडर देख लो, जहाँ पे आपको लॉग इन करने के साथ ही 10 तारीख को अगर आप लॉग इन करोगे तो आपको एक क्राफ्टलैंड का यहाँ पे कस्टम कार्ड मिल जाएगा। देन आपको गाइस 6 तारीख को भी एक कस्टम कार्ड मिल जाएगा जहाँ पे कुछ एक्सचेंज रिवॉर्ड्स के तौर पे आपको कुछ मिल जाएंगे, ठीक है, कस्टम कार्ड जो है आपका क्राफ्टलैंड वाला। देन यहाँ पे आपको फ्री में 2 फीमेल का बंडल मिलेगा, मतलब यार एक मेल का बंडल तो दे दो यार, मतलब क्या है भाई। देन गाइस इसी के साथ में ये वाला आपका जो मैकलेडन का कार वाला स्किन है ना, मैकलेडन का ही है ना वैसे, तो ये वाला आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है जो कि फ्री फायर मैक्स के होगा, ठीक है। मतलब अगर आप जस्ट आपको ना गाइस यहाँ पे गेम को खेलना होगा 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को आपको जस्ट गेम खेलना है और उसके बदले में आपको बिल्कुल ही फ्री में ये मिल जाएगा कार का स्किन। बट मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये लोग 2-2 फ्री में फीमेल का बंडल दे रहे हैं, एक मेल का बंडल दे देंगे तो इनका क्या हो जाएगा। नहीं नहीं क्या हो जाएगा यार, एक मेल का बंडल तो फ्री में दे दो यार, ये तो काफी ज्यादा गलत बात है। मतलब एक बंडल तो फ्री में बनता है यार मेल का, बट कोई बात नहीं यार सह लेंगे थोड़ा सा। नहीं तो गाइस मेरे पास ना एक मस्त वाला प्लान है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग ना, पहले घर से सारे कुछ सामान उठा लेते हैं, लाइक डंडा वंडा सब कुछ उठा लेते हैं, बेलन मत उठाना नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये डंडा वंडा सब उठा लेते हैं, उसके बाद चलते सिंगापुर भाई इन लोग को मारने। मतलब ये कोई बात होता है फीमेल का बंडल आप फ्री में दे रहे हो, मेल का बंडल भाई दर्शन तक नहीं हो रहे। बट यार कुछ भी बोलो, अगर मजाक मस्ती को साइड में रख के देखा जाए तो आप एक बार अपना वॉलेट सेक्शन चेक करना, अगर आप क्लेम करते हो रिवॉर्ड्स तो फीमेल वाला, मैं तो क्लेम कर लेता हूँ, मैं बहुत शातिर आदमी हूँ। तो मतलब अगर आप एक बार मजाक मस्ती को साइड में रख के एक बार अपना चेक करना वॉलेट वाला सेक्शन, वहाँ पे आप देखना आपके पास जितने भी मेल के कपड़े होंगे ना उससे फीमेल का 1-2 कपड़ा ज़्यादा ही होगा 100%, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा फ्री में देते हैं यार फीमेल का बंडल। मतलब मेल का बंडल भी कभी कभी फ्री में दे दिया करो यार, मतलब मुझे पता है देखो मेल का बंडल ना ये लोग जब भी कोई भी बड़ा इवेंट आएगा ना तो उसमें मेल का बंडल तो कभी भी फ्री में 1-2 बार फ्री में दे देंगे, बट फीमेल का बंडल हर बार फ्री में मिलेगा हर बार, ये कोई बात होता है। बट कोई बात नहीं गाइस, क्या ही कर सकते हैं, अभी तो एक ही ऑप्शन है, सिंगापुर जाके लड़ना पड़ेगा। खैर इसको छोड़ो, अभी हम लोग बात कर लेते दिवाली इवेंट को लेके, बिकॉज आप लोग उसके लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। अब देखो दिवाली इवेंट तो अभी बहुत टाइम है, मतलब 2 इवेंट बाकी यार, वेनम और वो क्या बोलते हैं बुआ 2.0, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते फ्री में ग्लोअल के स्किन हमें मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो यार देखो जो हमारा वर्ल्ड सीरीज आया था ना, वर्ल्ड सीरीज उसमें हमें बिल्कुल ही फ्री में ग्लोअल के स्किन मिला था, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो जस्ट गाइस यही सीन है कि आपको दिवाली इवेंट के अंदर भी कुछ उसी टाइप से आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और बोले जाएंगे इसमें से कोई भी एक ग्लोअल का स्किन सिलेक्ट कर लो। तो जस्ट यही सीन है, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो जस्ट आप लोग थोड़ा सा वेट करो, बाकी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस मेरे भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको मजा आया होगा। तो चलो गाइस बाय, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और घर पे रहना, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलो गाइस बाय।